नमस्कार बच्चों, आज हम लोग रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक है और इसे आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, रेनबो जो है हमेशा मैक्सिमम रेनी डेज में दिखाई देता है। रेनी डेज मतलब बरसात के दिन में, बरसात के दिन में दिखाई देता है। तो क्या होता है इसमें, पहले समझिए कि व्हेन व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट मीन्स सनलाइट फॉल्स ऑन द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स एंड इफ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली देन इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड। कहने का अर्थ हुआ कि जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर पड़ती है और इस क्रिया में यदि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों घटनाएं साथ साथ घटती हैं, साथ साथ घटती हैं तो न्यूनतम विचलन के कंडीशन में, विचलन की स्थिति में रेनबो की उत्पत्ति होती है, रेनबो की उत्पत्ति होती है। समझिए थोड़ा, देखिए क्या कहे कि सनलाइट जो है रेन ड्रॉप्स पर पड़ता है और रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ घटित होता है, तब जो है मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में रेनबो की उत्पत्ति होती है। रेनबो जो होता है आपको एक रंगीन वलय के रूप में, रंगीन वलय के रूप में यानी सर्कुलर आर्क कहिए, सर्कुलर आर्क, वो रंगीन होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, आपको आकाश में दिखाई पड़ता है। यह जब भी दिखाई देता है तो सन लाइट के, सूर्य के कहीं एक तरह से, सूर्य के हमेशा अपोजिट में दिखाई देता है। सूर्य की ओर मतलब आपका पीठ होना चाहिए और इसके अपोजिट में जब आकाश में देखिएगा तो आपको एक रंगीन वलय के रूप में दिखाई देगा जो कि रेनबो होता है। तो रेनबो की उत्पत्ति हमेशा कब होती है, तो मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में होती है, जिसमें कि रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वह हमेशा एक साथ घटता है। ओके, अब आगे देखिए, रेनबो जो होता है, रेनबो वह टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष इसे कहते हैं, और दूसरा जो होता है आपका सेकेंडरी रेनबो होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष,
सेकेंडरी रेनबो होता है। तो पहले आप प्राइमरी रेनबो के बारे में आप पढ़िए कि प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी रेनबो। देखिए प्राइमरी रेनबो जो है इसका भीतरी कोर जो है, आंतरिक कोर जो होता है वह ब्लू होता है, बैंगनी होता है, और बाहरी कोर जो होता है, बाहरी कोर वह आपका रेड होता है। प्राइमरी रेनबो जो है सेकेंडरी रेनबो से मोर ब्राइट होता है, मतलब अधिक चमकीला होता है, अधिक चमकीला होता है। प्राइमरी रेनबो में अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि यह आपका जो है वाटर ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स हो गया, और इस वाटर ड्रॉप्स पर अगर आपका सनलाइट आता है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ता है और तब जो है आपका यह बाहर निकल जाता है। इस सेंटर से इसको मिला लीजिए, देखिए थोड़ा सा आप समझिए, यह ड्रॉप्स का सेंटर हो गया। तो सेंटर से जब यह लाइन डाले हैं तो इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। हम कहे थे कि कोई भी नॉर्मल जब खींचिएगा स्फेयर पर, चाहे गोल आकृति यदि हो तो उसमें हमेशा जो है स्फेरिकल टाइप के जो भी आकृति होता है उसमें नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। यह इंसिडेंट रे हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया इधर, तो जब रिफ्रैक्ट हो गया यह नॉर्मल हुआ तो यह एंगल आपका हो जाएगा आई, इधर आपका आर हो जाएगा। वास्तविक डायरेक्शन इसका देखिए आगे था, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट डेविएशन हुआ, इस पॉइंट मान लीजिए कि ए पर हो गया, तो यहाँ आपका डेविएशन कितना हो गया, तो आई माइनस आर का डेविएशन हो गया। ये पूरा एंगल है आई, इतना है आपका आर, तो यह डेविएशन हो गया कितना, आई माइनस आर हो गया। अब देखिए यहाँ भी एंगल आपका आर होता है, यह भी एंगल क्या होता है, आर होता है। तो यदि आप इसको आगे थोड़ा बढ़ाइएगा तो यहाँ पर आप देखिए कि एंगल जो है आपका क्या बनेगा, तो पाई माइनस टू आर बनेगा, पूरा पाई इस पर बन गया, ये टू आर घटा दीजिएगा तो इतना एंगल आपका निकल गया। तो यहाँ पर डेविएशन आपका बी पॉइंट पर कितना हुआ, पाई माइनस टू आर हो गया। अब यह एंगल है आर, अब देखिए यहाँ पर जब बाहर जब निकला है तो यह एंगल तो हो गया आई। अब वास्तविक जो है आपका डायरेक्शन यहाँ से आप खींचिएगा तो यहाँ से ऐसे आता, यह हो गया आई, यह हो गया आर, तो यहाँ पर भी डेविएशन आपका कितना हो गया, आई माइनस आर, ये आपका सी पॉइंट हो गया। ओके अब देखिए तो हम क्या कहें प्राइमरी रेनबो में, तो प्राइमरी रेनबो का भीतरी कोर जो होता है ब्लू होता है और बाहरी कोर क्या होता है, रेड होता है। यह जो होता है सेकेंडरी रेनबो की अपेक्षा अधिक ब्राइट होता है। अब थोड़ा सा देखिए प्राइमरी रेनबो में ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ है, जबकि बी पॉइंट पर क्या हुआ है कि यह लाइट जो है सेम उसी मीडियम में लौट आई है, मतलब कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि इसमें रिफ्रैक्शन जो है दो बार हुआ है और एक बार आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब प्राइमरी रेनबो की उत्पत्ति में वन टाइम्स जो होगा आपका वन बार वह आपका घटेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और आपका टू टाइम्स जो होगा दो बार जो होगा वह रिफ्रैक्शन होगा, दो बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब घटता है तब आपका मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में, न्यूनतम विचलन के कंडीशन में आपका प्राइमरी रेनबो का उत्पत्ति होता है। अब आप देखिए यह आई का मान हम लोग निकालते हैं कि आई का मान होता कितना है जहाँ पर कि प्राइमरी रेनबो का उत्पत्ति होता है। तो आप टोटल डेविएशन पहले आप निकालिए, टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन कुल विचलन इसको कहिएगा आप हिंदी में, तो टोटल डेविएशन जब निकालिएगा डेल्टा बराबर,
तो देखिए ए पर डेविएशन प्लस बी पर डेविएशन प्लस सी पर डेविएशन तीन बार हुआ है, तो ए पर डेविएशन आपका हुआ है आई माइनस आर, बी पर आपका डेविएशन हुआ है पाई माइनस टू आर, फिर सी पर डेविएशन हुआ है आपका आई माइनस आर। ओके अब देखिए तो यह हल कीजिए आप, तो यह हो गया आपका पाई, यह हो गया आपका प्लस टू आई, माइनस हो गया आपका फोर आर। हम लोग यहाँ पर निकाल लिए टोटल डेविएशन के मान, लेकिन देखिए कंडीशन क्या है, मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में यह प्राप्त होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा जब आप कैलकुलस में प्राप्त कीजिएगा तो उसमें दिए गए फंक्शन का हम लोग डीवाई बाई डीएक्स निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और तब डीवाई बाई डीएक्स को जो है हम लोग जीरो करके हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम मान हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर भी आपका एक इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया। जब इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया तब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो डेल्टा बराबर जब इतना आ गया तब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आई, यहाँ पर टू आई है, रिस्पेक्ट टू क्या चीज़ आई। तो देखिए यहाँ डी डेल्टा बाई डी आई इज इक्वल टू पाई का तो आपका जीरो हो गया, टू आई का डिफ्रेंशिएशन आई के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो यह आपका दो हो जाएगा, फोर आर का कीजिएगा तो फोर इंटू आर का आप लिखेगा डी आर बटा में डी आई हो जाएगा। ओके अब देखिए थोड़ा सा और आगे, अब कहता है कि फॉर मिनिमम डेविएशन, क्योंकि मिनिमम डेविएशन के ही कंडीशन में आपका प्राइमरी रेनबो उत्पन्न होता है, तो फॉर मिनिमम डेविएशन डी डेल्टा बटा में डी आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम कहें कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसके जगह पर जीरो रख करके तब वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब वैल्यू निकालिएगा तो देखिए कि टू माइनस फोर डी आर बटा में डी आई इज इक्वल टू आपका हो गया जीरो, तो डी आर बटा में डी आई का जब मान निकालिएगा तो दो बटा में चार मतलब कि एक बटा में दो हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए कि इक्वेशन हो गया कितना वन, डी आर बटा डी आई के मान हम लोग निकाल दीजिए एक बटा में दो निकाल दिए। देखिए डी आर बटा डी आई हम लोग निकाल दिए हैं एक बटा में दो, यह इक्वेशन तो आपका वन हो गया। अब चलिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ में आप लिखते थे याद पारिए कि साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू आपका म्यू होता था। अब आप इसको जो है लिख सकते थे कि साइन आई जो होगा इज इक्वल टू म्यू साइन आर होगा, म्यू साइन आर, इसे भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आई, तो साइन आई का डिफ्रेंशिएशन आपका कॉस आई हो गया, या म्यू जो के त्यों हो गया, साइन आर का हो गया कॉस आर इंटू डी आर बटा में क्या हो गया डी आई हो गया, तो डी आर बटा में डी आई आप निकालिएगा तो आपका हो जाएगा कि कॉस आई बटा में म्यू कॉस आर हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया आपका टू, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से आइए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से डी आर बटा डी आई दोनों मान बराबर कीजिएगा तो आपका कॉस आई बाई म्यू कॉस आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वन बाई टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो टू कॉस आई इज इक्वल टू म्यू कॉस आर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो फोर कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर हो जाएगा। अब स्नेल के नियम से आप लिखे थे कि साइन आई जो होता है वह म्यू साइन आर के इक्वल होता है, स्क्वायर कीजिएगा इसको भी तो कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर आई जो होता है वह म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर हो जाएगा। अब देखिए इसको बदल दीजिए कॉस में बदल दीजिए तो यह हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर आर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो वन माइनस कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर आई का मान कितना हम लोग लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर चाहे कॉस स्क्वायर आर का भी मान निकलिए, इसको इधर लाइए इसको इधर ले जाइए तो देखिए म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कि म्यू स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर आई माइनस वन, ये दोनों मान उधर गया, इसको हम लोग इधर लाए हैं। अब इसका मान जो है म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो हम लोग कहेंगे क्या कि फोर कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आई माइनस हो गया वन। अब कॉस स्क्वायर आई को इधर लाइएगा तो थ्री कॉस स्क्वायर आई हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर आई का मान कितना हुआ, म्यू स्क्वायर माइनस वन, अब आई थ्री हो जाएगा तो कॉस आई निकाल दीजिए यहाँ से, तो रूट अंदर आपका हो जाएगा कितना कि म्यू स्क्वायर माइनस वन बटा में क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो आई बराबर आप लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स रूट अंदर म्यू स्क्वायर माइनस वन बटा में थ्री हो जाएगा। इतना ही एंगल से अगर सन लाइट जो है आपके वर्षा के बूंद पर रेन ड्रॉप्स पर पड़ता है तो प्राइमरी रेनबो का जो है उत्पत्ति होता है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपको सेकेंडरी रेनबो के बारे में बताएंगे। ओके।